नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रविवार हस्तिनी नक्षत्र कन्या राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। आज के नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक दानी, उदार, यशस्वी, कुशल कार्यकर्ता और व्यापारी होते हैं। वेदों के जानने वाले और परिश्रम से उन्नति करने वाले होते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी और अत्यधिक भावुक भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, चंद्रमा और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि वाले जातकों के मन में कई तरीके के विचार दिवा स्वप्न के रूप में चलते रहेंगे। मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने में दिक्कत होगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में कमी महसूस करेंगे। माँ के प्रति चिंता बनी रहेगी। भाग्य की गति धीमी होने से काम रुक रुक कर होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ मिलता जाएगा। आर्थिक योजनाएं बलवती होंगी। अच्छे कामों में निवेश संभावित है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए मानसिक स्थिरता आवश्यक होगी। वृष राशि वाले जातकों के बौद्धिक क्षमता में विकास, बुद्धि चातुर्य से अपने व्यावसायिक गतिविधियों में आर्थिक लाभ, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग, इन सारे मामलों में अनुकूलता मिलती रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। अधूरे और रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। संतान संबंधी अनुकूलता और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए व्यावसायिक उन्नति के कई आयाम मिलते जाएंगे। आर्थिक लाभ के कई अवसर प्रकट होंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए भागीदारी लाभदायक सिद्ध होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आपके आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी होगी। शत्रु पक्ष परास्त रहेंगे। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल होगा। कर्क राशि वाले जातकों के काम की अधिकता के साथ साथ ऊर्जा स्तर भी बढ़ा हुआ रहेगा। हर काम को बहुत ही अच्छे और सुसज्जित ढंग से निपटाते जाएंगे। सुख और सौभाग्य का मिला जुला फल मिलता जाएगा। आर्थिक लाभ बना रहेगा। रुकी हुई या नई कार्य योजनाएं चालू होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से अनुकूलता बनी रहेगी। निवेश की नई योजनाएं सामने आएंगी। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना होगा। नौकरी करने वाले कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजे जा सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को लाभ के कई अवसर मिलते रहेंगे। प्रवास या यात्रा के दौरान भी अचानक लाभ के योग संभावित हैं। आपकी योजनाओं में साझेदारी के अवसर मिलते जाएंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में संघर्ष और संतान के प्रति चिंता का माहौल संभावित है। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी और आपके प्रयास सार्थक होंगे। कन्या राशि वाले जातक स्वस्थ व ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यावसायिक योजनाओं में साझेदारी सफलता दिलाएगी। ससुराल पक्ष का सहयोग लाभदायक होगा। मित्रों और सहयोगियों से भी लाभ संभावित है। पेट संबंधी विकारों में सुधार होगा। किसी समारोह में सम्मिलित किए जाने का मौका मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में संघर्ष करना होगा। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। भावना प्रधान मानसिकता बनी रहेगी। तुला राशि वाले जातकों को शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ध्यान देना होगा। पीठ में दर्द और पेट संबंधी विकार संभावित हैं। आर्थिक लाभ के साथ साथ व्यय भी संभावित है।
व्यावसायिक योजनाओं में विवाद या रुकावट को टालना होगा। संतान व शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक माहौल चिंताग्रस्त महसूस होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने आप में स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके रहन सहन, खान पान और जीवन स्तर में सुधार की मानसिकता पैदा होगी। घर परिवार के माहौल पर ध्यान आकर्षित होगा और उसको सुधारने और संवारने के लिए प्रेरणा मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। व्यावसायिक योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। संतान पर व्यय की स्थिति अभी बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों का अब तक के मेहनत और संघर्ष का फल मिलना चालू होगा। आपकी कार्य योजनाएं फलीभूत होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी मामलों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। व्यावसायिक विवाद से बचना होगा। नए निवेश का योग बना हुआ है। भूमि, मकान और वाहन का भी योग बना हुआ है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपके राशि स्वामी शनि 12वें घर में बैठे हुए हैं और मंगल का संयोग होने जा रहा है। साथ ही आपकी राशि पर केतु और 7वें घर में राहु बैठे हुए हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी में परेशानी पैदा कर सकते हैं। अपने धैर्य पर काबू रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कार्य योजनाएँ फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ का दौर चल रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का दौर चालू हो चुका है। नई कार्य योजनाएं लाभदायी होंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। व्यावसायिक विवाद और उलझने संभावित हैं। 10वें घर पर राहु की दृष्टि का पड़ना विवादों को पैदा करने का काम करता है, विशेष रूप से व्यावसायिक संबंधी। आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए विवादों का निपटारा लाभदायक होगा। संबंधित मामलों में छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा धैर्य और सूझबूझ के साथ काम लेना होगा। आपकी कार्य योजनाओं में चल रही मंद गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ के लिए सहयोग बना हुआ है। सार्थक पहल करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक सदस्यों की प्रेरणा को अपने रचनात्मक प्रयासों में शामिल करें, लाभ मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। आँखों की एलर्जी व पेट संबंधित समस्याएँ संभावित हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करना होगा और संतान संबंधी मामलों में चिंता बनी रहेगी। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।